मैं संजय कुमार, पंद्रह जनवाड़ी से। पंद्रह जनवाड़ी जो कि गोविंद बल्ला पंत एग्रीकल्चर एवं कृषि एवं टेक्नोलॉजी सॉरी नमस्कार मैं संजय कुमार, पंद्रह जनवाड़ी से, जो कि गोविंद बल्ला पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का एक अकेला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 2011 से हुई थी। और जब 15 जनवरी यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय इसके लिस्नर बिल्कुल भी नहीं थे। यानी जब हमने इससे पहले हमने सर्वे किया था तो 0% लिस्नर थे। और लोगों के बीच में ये चीज़ अवश्य आ रही थी कि इस ज़माने में रेडियो कौन सुनेगा। बट 15 जनवरी स्टार्ट हुआ और एक साल के बीच में हमने कुछ ऐसा करके दिखाया कि एक साल के बाद हमने सर्वे किया तो हमारे जो आसपास के लोग थे उनमें 20% हमारे लिसनर्स हुए। और अब आते हैं हमारे जो कार्यक्रम आते हैं, जैसे कि 15 जनवरी पंतनगर का रेडियो स्टेशन है तो हमारा जो कृषि कार्यक्रम है, एग्रीकल्चर जो कार्यक्रम है वो हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है। और जो हमारे आधे घंटे के प्रोग्राम आते हैं उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के कार्यक्रम आते हैं। और इस एग्रीकल्चर के कार्यक्रम में हम जो मंथ में जो वर्क होते हैं एग्रीकल्चर से, यानी जो फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सीरियल्स हो गए, पालसेस हो गए, एग्री बिजनेस हो गया, मशरूम, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, ये जो भी कल्चर्स आते हैं, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं वो हम सारे बजाते हैं, वो भी मौसम के हिसाब से देखे। यानी कि अगर दिसंबर का महीना शुरू हो गया तो इस दिसंबर के माह में कौन कौन से कार्य करने चाहिए सीरियल्स के लिए, एग्री बिजनेस के लिए। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हमने अपने जो आसपास के गाँव है, यानी 125 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर जो हमारे 180 गाँव है, हमने 80 गाँव को टारगेट कर रखा है। और उसके अंदर हमने एक 15 जनवरी क्लब स्थापित कर रखा है। इसके अंदर कम से कम 10 फार्मर्स जुड़े रहते हैं और वो 10 के 10 फार्मर्स 15 जनवरी से सीधे बात कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम किसानों और 15 जनवरी के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। और उसके बीच में द्विपक्षीय संवाद है कि जो वो अपनी बात कहना चाहते हैं वो हमसे कह सकते हैं और हम अपनी बात उनसे शेयर कर सकते हैं। अब जब जनवरी जब क्लब बन जाता है तो इसके बाद में एक चीज़ आती है कि जब बन गया उसका फ़ायदा क्या है। कोई भी चीज़ बनती है तो वो सिर्फ किसी उद्देश्य के लिए बनती है। 15 जनवरी हमने बनाया, इससे हमने एक फ़ायदा उठाया ये कि जो किसान है वो अगर चाहता है कि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी लेना तो वो 15 जनवरी आके और 15 विश्वविद्यालय से कोई भी जानकारी ले सकता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि मैं 15 जनवरी या 15 विश्वविद्यालय नहीं आ सकता हूँ तो वो 15 जनवरी से संपर्क कर सकता है। 15 जनवरी यहाँ से उससे संबंधित जो भी एक्सपर्ट है या जो भी साइंटिस्ट है उसको लेकर उसके गाँव में जाता है और एक छोटी सी गोष्ठी बनाते हैं और गोष्ठी की रिकॉर्डिंग करते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। और वो गोष्ठी हम अगले दिन ऑन एयर करते हैं जिससे कि उसके गांव के लोग और आसपास के जितने भी गांव के फार्मर्स हैं वो उनको सुनते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। असर ये पड़ा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब हमने शुरुआत की थी तो 0% लिसनर थे, लेकिन एक साल के बाद 25% हो गए। और आज आलम यह है कि हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं और लोग ये कहते हैं कि आप हमारे गाँव में नहीं आ रहे और आप हमारे जो फ़ोन कॉल्स हैं उनको नहीं उठाते। हमारे लेटर्स आते हैं, मेल आते हैं, मैसेज आते हैं। और आगे आने वाले समय में ऐसा हो गया है कि वो लोग ये कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर का कार्यक्रम आता है वो आधे घंटे ना देके आप पूरा 1 घंटा किया जाए। और एग्रीकल्चर जो हमारा मेन सिग्नेचर प्रोग्राम है, इसके अलावा हम युवाओं के लिए कार्यक्रम बनाते हैं जो कि पूरा 1 घंटे होता है। और ये जो युवा का कार्यक्रम होता है, यूथ के लिए कार्यक्रम है, इसके अंदर एक हमारी खास चीज़ ये है कि जो कैंपस है पंतनगर का उसके जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो इसको प्लान करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एडिटिंग करते हैं और ऑन एयर भी करते हैं। उसमें सिर्फ 15 जनवरी का रोल सिर्फ इतना है कि वो एक माध्यम देता है, कि एक मंच देता है कि आप यहाँ पे आके रोल ऑन एयर करिए। बट प्रोडक्शन उनका रहता है, एडिटिंग उनकी रहती है, थीम थॉट सब कुछ कैंपस के जो स्टूडेंट होते हैं उनका होता है। यानी 1 घंटे का प्रोग्राम पूरा पूरा उनका रहता है। इसके अलावा हम जो युवाओं के लिए हमारा एक प्रोग्राम आता है कल आज और कल, जिसमें कि जॉब अलर्ट्स, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो भी न्यूज़ अपडेट्स होती हैं वो सारे के सारे हम लोग देते हैं। और इसके अलावा हम हर मंडे को हम एक डॉक्टर से मुलाकात कराते हैं और डॉक्टर भी जो आम डॉक्टर होते हैं उनके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक वाले हो सकते हैं, होम्योपैथिक हो सकते हैं या फिर जो कि जो पुराने तरह से बीमारियों का इलाज किया जाता है उनको मिलाते हैं इसमें। और इसके अलावा जो हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं उनके बारे में बताते हैं किस प्रकार से यूज़ करके हम बिना दवाओं के भी स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा युवा स्वर कार्यक्रम आता है जिसमें युवा अपनी बात आके कह सकता है किसी भी एक टॉपिक के विषय पर आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा युवा जिसने अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रखा है हम उसका इंटरव्यू कराते हैं जिस और उनसे बात कराते हैं और उनको ऑनर करते हैं जिससे कि लोग सुन के उनके अंदर प्रेरणा जगे। हमारे कार्यक्रम आता है आचल की सुरभि जो कि हमारा बुधवार के दिन आता है, वो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जैसे उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर हम 15 जनवरी की बात करें तो हमारे पास जो कम्युनिटी है वो अलग अलग तरह की है। इसमें कुमाऊँनी है, गढ़वाली है, भोजपुरी है, बंगाली है, पंजाबी है और इसके अलावा कुछ राजस्थानी लोग भी हैं। तो हम आचल की सुरभि में अलग अलग क्षेत्र के लोगों को और उनके कल्चर के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार के कल्चर हैं और क्या क्या उनके वहाँ त्यौहार होते हैं, किस प्रकार के फंक्शन होते हैं, कैसा पहनावा है और कौन कौन सी डिश बनाई जाती है, इस कार्यक्रम में हम लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला कार्यक्रम आता है वो आता है हमारा लघु नाटिका है जिसको हम इमरतीगंज के नाम से देते हैं।
देखिए, जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसकी एक अलग ही भूमिका होती है। वो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप की बात करें तो जो भी हम यहाँ पे आके और जो भी ये एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि हम एक ऐसे जगह से आए हैं, हो सकता है कि यहाँ पे जितने और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आए हैं या फिर और भी जो ऑर्गेनाइजेशन आए हैं, हम उनसे शायद ही मिल पाते। बट ये यहाँ पे जब मंथन ने ये फंक्शन किया है तो उसमें लगता है कि मंच पे सभी लोग मिल रहे हैं, जो कि हमारा प्रत्यक्ष रूप से है। और अप्रत्यक्ष रूप से यह है कि हम यहाँ पे आने के बाद अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और हो सकता है कि दूसरे लोग हमको सुने और भविष्य में वो हो कैसे ना कैसे करके कदम आगे बढ़ाए और हमारी हेल्प करे या फिर हमसे ज़्यादा जुड़े, जिससे कि आने वाले समय में हम आगे हो सके, उनके साथ मिलकर उनसे कुछ ऐसा कर पाए जिससे कि हमारी एक छाप अलग रह पाए। और उसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य या फिर एक व्यक्ति होगा, वो होगा मंथन अवार्ड। धन्यवाद। थैंक यू।